We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, IPO को हम लोग काफी अभी कवर कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेरी भी थी। कुछ IPO जो हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे तो वहां पे लोगों की क्वेरी थी, कुछ IPO जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे भी क्वेरी थी। तो आज इसी सीरीज में जो है हमने आप लोगों के लिए लाया है रुचि सोया का केस स्टडी। रुचि सोया आपको भी पता है कि वो बैंकरप्सी में चली गई थी। NCLT में जाने के बाद जो है वो पतंजलि आयुर्वेद ने जो है इसको ओवरटेक किया है और आज के डेट में एज ऑन टूडे ये पतंजलि का ग्रुप कंपनी है रुचि सोया। आज उसके बाद जो है इसका FPO लाया गया, रीलिस्ट हुआ और हम इसको एज ए IPO ही केस स्टडी में शामिल कर रहे हैं। आप यदि देखेंगे तो ये मिंट का न्यूज है। आप जब स्क्रीनर पर जाएंगे और इसके कंपनी पे पूरा करेंगे तो इसमें आपको लिंक दे रखी है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 4350 करोड़ में जो है ये टेक ओवर हुआ था रुचि सोया का, जिसमें पतंजलि ने जो है वो 1100 करोड़ का जो है वो इक्विटी इन्फ्यूज किया था और 3250 करोड़ का जो है वो डेट के थ्रू जो है वो उसने अरेंज किया और टोटल एक्विजिशन जो था वो 4350 में किया गया था रुचि सोया का पतंजलि ग्रुप द्वारा। तो ये तो इसके बाद जो इसका FPO लाया गया, FPO लाने के बाद जो है रिलिस्ट किया गया और अभी जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी ये फ्रेश रुचि सोया पतंजलि का पार्ट हो चुका है। तो हमारे सामने जो है ये रिलिस्ट होने के बाद जो प्राइस आई FPO के बाद की प्राइस, क्योंकि यदि आप जाएंगे जैसे इन्वेस्टिंग पे जो है मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे जो है वो बहुत पुरानी डेटा जो है वो मिली। अब जो है वो 1990 से आप देख रहे होंगे कि उनको बहुत पुराना, लेकिन ये सारे डेटा का आज के डेट में यूज नहीं है क्योंकि ये रुचि सोया का था। लेकिन अब जो है, अब जिस कंपनी का हम केस स्टडी करने वाले हैं वो एक पतंजलि का पार्ट है और हमको आज का जो है वो प्राइस चाहिए रेफरेंस के लिए। तो हमने जो है वो FPO आने के बाद जो प्राइस आई उस वहां से जो है वो हमने अपने केस स्टडी को शुरू किया है। तो आइए इसका एज ऑन टुडे जो फंडामेंटल पोजीशन है उसको देखते हैं। ये अभी 25,000 करोड़ की कंपनी है, 25,411 करोड़ प्रिसाइजली इसका जो है वो अभी जो 17 तारीख को जो हमको क्लोजिंग प्राइस मिला है उसके हिसाब से 859 इसका क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉक का PE जो है वो 28.7 है जबकि इंडस्ट्री का PE जो है वो 31.4 है। तो अपने इंडस्ट्री से थोड़ा सा नीचे अभी फिलहाल जो है ये ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस टू बुक जो है वो 5.7 है और इंडस्ट्री का जो है एवरेज 2.35 है। तो वहां पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन जो है वो हमको दिख रहा है। बुक वैल्यू जो है हमको 149 का इसको दिखाई दिया और ये 52 वीक हाई जो है वो 1377 और 619 का जो है वो लो दिख रहा है। करंट प्राइस जो है वो 859, डेट जो है वो 3642 का। अभी हमने जो है वो डेट की बात की, हो सकता है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आया हो या कुछ और भी लोन जो है वो शॉर्ट टर्म लोन जो है इस पे ऐड किया गया हो, इस वजह से थोड़ा सा जो है एक्विजिशन के बाद जो बैलेंस शीट में लोन पोर्शन आया था, फिर भी 1 से नीचे है तो हमारे लिए डेट इक्विटी जो है वो कंफर्टेबल है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो काफी अच्छा है 3.58। तो फंडामेंटली जो है वो इट्स गुड। अभी अंडर वैल्यूएशन नहीं है पर ठीक है, ओवरऑल ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है। यदि हम इसके पीयर्स को देखेंगे, पीयर्स में यदि जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी कंपनी अभी न्यू लिस्टेड आपको अदानी विल्मर जो है वो दिख रही होगी। हम इस पे भी एक वीडियो जरूर आपके सामने बहुत जल्द दे करके आएंगे अदानी विल्मर पे। और फिर जो है वो हमको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट दिख रहा है, एग्रोटेक फूड्स दिख रहा है, BCL इंडस्ट्री दिख रहा है। यदि इंडस्ट्री का PE देखे तो 2.35 जो है वो हमको दिखता है, अदानी विल्मर उसके ऊपर है, रुचि सोया भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये PE है। और बुक वैल्यू जो है वो अदानी विल्मर का 15.5 और इसका जो है वो 5.77 है। पर आप सबसे बड़ी चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे, जो पुरानी कंपनी थी वहां पे आप देखिए कि आप जब भी प्राइस टू सेल्स जो यदि आप देखते हैं, यदि इसका प्राइस टू सेल्स देखिए ये काफी कंफर्टेबल है 1.14 जो है ये काफी कंफर्टेबल प्राइस टू सेल्स होता है। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज देखनी होती, एक तो डेट पोर्शन देखना होता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। डेट जो है वो भी कंफर्टेबल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेट जो है वो कंपनी ने नहीं ले रखा है,
कंपनी के साइज के हिसाब से, और दूसरा जो है वो हमको देखना है इसका ग्रोथ। तो पहले की जो थी, आप देखिए 5 साल और 10 साल का सेल्स ग्रोथ जो है, 10 साल का तो कुछ है ही नहीं, 5 साल का भी निगेटिव है। तो ये चीज जो है, जब भी आप प्राइस टू सेल्स रेशियो देखते हैं तो इसको जरूर देखा कीजिए। इससे जो है वो आपको वैल्यू ट्रैप में आप नहीं फंसेंगे। जब कभी भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की ओर जाएंगे और रेशियो एनालिसिस वहां पे बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो वहां पे ये सब चीज यदि आप देखेंगे तो प्राइस टू सेल्स पे आपको जज करने में, स्टॉक को जज करने में जो है वो काफी सहूलियत मिलेगी। प्राइस टू सेल्स जब भी देखते हैं तो वहां पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ यदि 5 और 10 साल का जरूर देखा कीजिएगा, और साथ ही साथ उस कंपनी की डेट का पोजीशन क्या है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता उसके कैलकुलेशन में। तो इस दोनों चीज को जो है वो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा और प्रमोटर होल्डिंग जितना कम होगा, वो वहां पे उतनी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, क्योंकि प्रमोटर का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। वो खुद का पैसा जब तक उसका कंपनी में नहीं लगेगा, वो जेन्युइनली जो है उसका इंटरेस्ट आपको कंपनी में नहीं दिखेगा। वैसे तो अभी ये आपको दिख रहा है, अभी कितना ट्रांसफर हुआ है वो पता नहीं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि ये पूरा पब्लिक के पास, हो सकता है बैंकों के पास भी जो रखी है वो इसमें पब्लिक में दिख रहा हो। तो लेकिन हमको यहाँ पे ये देखना है कि भाई प्रमोटर जो है एटलीस्ट 40-50 के बीच में यदि रहता है, और वो कॉन्स्टेंट यदि रहता है बहुत सालों से, तो वो हमको जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन देता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो ये तो अभी फिलहाल जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नई आईपीओ में ही हम इसको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एनसीएलटी से जो है ये निकला है रुचि सोया। लेकिन ये चीज जो है वो आप दूसरी कंपनियों को जब कभी भी आप फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो जरूर ध्यान रखा कीजिए। तो आइए अब हम फंडामेंटल से जो है वो इसके टेक्निकल्स पे चलते हैं और ये चार्ट देखते हैं। ये आप देख लीजिए, ये एनएसई का जो है वो 1 जनवरी 2020 से रीस्टार्ट हुआ है। इसका एफपीओ आने के बाद 16.20 रुपया का जो है वो हमको लो दिख रहा है, और हाई जो है वो 1519 का दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की केस स्टडी रुचि सोया। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम इसके एफपीओ आने के बाद के प्राइस को कैलकुलेट करेंगे जो 2020 का हमको दिख रहा है। तो ये फंडामेंटल और 5 ईयर का पिवट चार्ट जो है वो हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल नहीं है। हमारे लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही तीन चीज जो है, यानी कि नेम चार्ट वाइब्रेशन, एंकर वेव एप और रेशियो चार्ट, यही तीन चीज से जो है वो हमको जज करने में हेल्प मिलेगा कि हम इसमें क्या करें, या अभी जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास शेयर है, जिनके पास, वो किस तरह से अपने पोजीशन को जो है वो कैरी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, या फिर उनको एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी चीज के लिए आपको वीडियो में जानकारी दी गई है, आप देखिएगा और अकॉर्डिंगली आप जज कीजिएगा। तो मैंने आपको एंकर वीवैप हमारे पास जो है वो मैंने दो तरीके से आपको ड्रॉ करने के लिए बताया है। जब कभी भी न्यू आईपीओ हो तो उसका जो लिस्टिंग प्राइस है वहाँ, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंकर पॉइंट है। यदि उससे ऊपर है तो वो हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, यदि उससे नीचे होता है तो वो हमारे लिए वीक स्टॉक हो, सिंपल है। आप उसके ओपनिंग प्राइस से एंकर वीवैप जो है वो ड्रॉ करके रखिए, और वो उसके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग है, उसके नीचे जो है वो जस्ट लाइक अ पिवट पॉइंट, देयर आफ्टर उसने जो भी हाई बनाया वहां से आप जो है वो एक दूसरा एंकर वीवैप ड्रॉ कीजिए। जो लोग न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को ये चीज जो है वो ज्यादा देखना चाहिए कि जो एंकर वीवैप ऑल टाइम हाई से लिया गया है उसको वो रीगेन कर रही है कि नहीं, या रीगेन करने की स्थिति में है या नहीं। तो इस चीज को यदि आप, इस दोनों एंकर वीवैप को यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जज करने में, इस स्टॉक को जज करने में जो है वो आपको काफी सहूलियत होगा। इसके बाद आइए इसके नेम चार्ट पे। इसका एनएससी में जो कोड है वो रुचि है, RUCHI। तो R के लिए 2 है, U6C3H5I के लिए 1, यानी कि 17 हो गया। सिंगल डिजिट में जो है ये 8 हो गया। आपको पता होगा, आप लोगों ने इतनी वीडियो देख रखी है कि आपको पता होगा कि हमको किसका साइकिल को फॉलो करना है, और हमको 17x17 जो है वो 289 पॉइंट्स का जो है वो हमको इसका नेम चार्ट वाइब्रेशन जो है वो हमको बनाना पड़ेगा। तो आइए अब हम
इसके नंबर को जो है वो गैन स्क्वायर ऑफ 9 में जब इंसर्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे 17 नंबर जो है वो दिया, हमारा सोर्स और फैक्टर 17 होगा। गैन 6 स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो पहला जो हाउस कंप्लीट होगा वो 289 पे, दूसरा 578 में, तीसरा 867, फोर्थ 1156, फिफ्थ 1445 और 1734। और इसका 50% का रूल यदि करे तो 17 है, फिर 8.5 एंड 4.25 है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब इसको देखते हैं, मैंने तो कुछ पॉइंट्स को आपको ब्लू मार्क किया हुआ है तो वो आपको दिख रहा होगा, ये इसके चार्ट का जो है वो हाई लो है। अभी हमने 17 जो लिया है, एक तो 17 इसका वाइब्रेशन नंबर है था, लेकिन यदि आप इसका लोएस्ट वो पॉइंट जो देखेंगे वो 16 रुपया 20 पैसा है, तो वो हमारे 17 नंबर का जो है वो सबसे नजदीक का नंबर है। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आप लोगों को जो बहुत ही ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि आप इस नेम चार्ट को जरूर, क्योंकि हमने यहाँ पे दो रूल अप्लाई किए हैं। गैन स्क्वायर ऑफ 9 अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन गैन ने न्यूमरोलॉजी को जिस तरह से यूज किया, उसके बुक में जो है वो डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जब उनके बुक को पढ़ेंगे और उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे हिंट मिलेंगे कि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करके ये एक्सेल शीट को बनाया गया है। तो वहां पे आप देखिए कि 17 नंबर जो है वो दिया है, और पैट्रिक मिकुला की बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो है वो गैन स्क्वायर ऑफ 9 को कैसे यूज करना है उसमें पूरी तरह से जो है वो उसमें बहुत सारे रूल्स जो है वो दे रखे हैं। मैं अपने हर वीडियो में उस बुक की चर्चा करता हूँ। तो नॉर्मली मैं अपने सारे वीडियो में जो है वो सोर्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप उसमें अपना रिसर्च कर सकते हैं, और यही हमारा चैनल का जो है वो मोटिव है कि आप अपने एनालिसिस जो है वो खुद कर पाए। इसी कारण से मैं सारे बुक्स के नाम भी जो है वो आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ। मिकुला साहब ने बोला था कि आपको एक सीक्वेंस को ढूंढना है चार्ट पे, किसी भी हाई लो से जो है उसको नोट करें और उसको इस गैन स्क्वायर ऑफ 9 में किसी तरह से आप उस सीक्वेंस को आप ढूंढने की कोशिश करें, और यदि आप उसमें उसको आपने डिकोड कर लिया तो आपको उसको तब तक फॉलो करना है जब तक कोई नया सीक्वेंस जो है वो मार्केट डेवलप ना कर। तो ये थी, यदि आप इसके फायदों पे चार्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे नंबर जो है वो दिखेंगे। जैसे सबसे पहला मैंने आपको 16.20 दिखाया, उसके बाद जो है वो 1519 है, 1376 है, 403 है। तो वहां से मिलता जुलता जो भी नंबर मुझे दिखा चार्ट पे तो मैंने उसको ब्लू से हाईलाइट भी कर दिया है। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी यहाँ से कोई सीक्वेंस निकालने के लिए। आप लोगों ने ऑलरेडी इतने वीडियो देख रखे हैं तो आप भी कुछ जो है वो जरूर इस पे मेहनत कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो आप सीख भी जाएंगे कि किस तरह से एनालिसिस करना है। अब आइए हम इसके रेशियो चार्ट पे चलते हैं, जो हमारा एक तीसरा टूल बचता है एनालिसिस करने के लिए, और वो निफ्टी के अगेंस्ट में है। ये देखिए, ये निफ्टी के अगेंस्ट में रेशियो चार्ट है रुचि सोया का और निफ्टी का। फिलहाल जो है ये करेक्ट हो रहा है, लेकिन इसने अभी तक जो है वो अपना 7.86, ये देखिए इस हाई से ऑल टाइम लो जो है वो अभी आपको 16.20 दिख रहा होगा, पर ये आपको एक्चुअली यहाँ पे प्राइस नहीं दिख रहा क्योंकि ये रेशियो चार्ट है निफ्टी के अगेंस्ट में, इसलिए यहाँ पे रेशियो दे रखे। पर हमने वहां पे क्या किया है, हमने वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो यूज किया है। रेशियो चार्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के सारे टूल्स को आप उसको उस चार्ट पे जो है वो यूज कर सकते हैं, भले ही आपको प्राइस नहीं दिख रहा हो, लेकिन वहां पे जो है यदि आउट परफॉर्म कर रहा होगा वो स्टॉक तो आपको वो दिखेगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके आप लोगों के सामने ये चार्ट को दिखाया है। तो वैसे तो 60.618 यानी कि 61% को जो है उसने एक बार इसने थोड़ा फिर रिगेन किया, और ये मार्जिनली जो है वो अभी इसके नीचे चल रही है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि कैंडल जो है, देखिए कैंडलस्टिक को आप जब कभी भी आप वॉच करते हैं तो उसके बॉडी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कीजिए। हाई लो जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं तो उसका बॉडी जो है वो आपको ट्रेंड बताता है। जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ही अच्छा ट्रेंड का मोमेंटम होगा, जितना ही बॉडी है, और आपको जो है वो नैरो रेंज जो है, बॉडी का नैरो रेंज जो है वो आपको दिखाता है कंसोलिडेशन एज वेल एज
इनडिसीजन। तो एक्चुअल में मार्केट जो है यहाँ पे इनडिसीजन वाले सिचुएशन में है। रिट्रेसमेंट मैंने आपको दिखा दिया है 0.618 के नीचे है फिलहाल, लेकिन 786 को होल्ड कर रहा है। और ये रिगेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो फ्यूचर की बात है, वो मार्केट हमको बताएगा कि इसका क्या फ्यूचर है। लेकिन इन सारे टूल को आप यूज करके कुछ ना कुछ आप डिसीजन जरूर ले सकते हैं, और यही हमारा प्रयास रहता है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सके, हम आपको वो सारी टूल जो है वो आपको दे सके। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, और भी किस IPO पे या स्टॉक पे हमसे वीडियो चाहते हैं, और हमारे इस वीडियो पे जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।